ऋतुराज को सच्चा प्यार मिला या नहीं। ऋतुराज सुबह सवेरे सोकर उठा तो उसका सिर थोड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि रात भर वो उस गुलाबी सूट वाली लड़की की यादों में खोया हुआ था। उसके उठते ही उसके ताऊजी ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, थोड़ी ही देर में लड़की वाले आते ही होंगे। ऋतुराज अनमना सा हो गया, लेकिन फिर भी वह तैयार होने के लिए चला गया। वैसे तो उसने मन ही मन ठान लिया था कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। समय पर मेहमान हवेली में पहुंच चुके थे, ताऊ जी बैठक में उनकी आवभगत में लगे हुए थे। ऋतुराज तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी नजर लड़की की पीठ पर पड़ी। उस लड़की ने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, जिसे देखते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा कि कहीं ये वही तो नहीं। उसने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाया और चेहरे पर सहजता के भाव लाकर वह उन लोगों के सामने पहुंचा। लेकिन लड़की का चेहरा देखते ही उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि यह लड़की तो कोई और ही थी। खैर, ऋतुराज बेमन से उन लोगों के सामने बैठ गया। कुछ औपचारिक बातें हुई और वह लोग थोड़ी ही देर में विदा लेकर चले गए। ताऊ जी ने उनके जाते ही ऋतुराज से कहा, बोलो बेटा, लड़की कैसी लगी तुम्हें? इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दूं ना? ऋतुराज बिना उनकी ओर देखे हुए बोला, ताऊ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लड़की में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं यह शादी करूं। इतना कहकर वो जैसे ही उठकर वहां से जाने लगा तो ताऊ जी गुस्से से चिल्ला पड़े, ऋतुराज, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे सारे संबंध समाप्त कर दूंगा। एक तो तुम्हारी अकड़ देखकर तुम्हें वैसे ही कोई नहीं पूछता है, और मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ तो तुम्हें मेरी कोई कद्र ही नहीं है। ऋतुराज सिर झुकाए हुए चला गया और ताऊ जी भी तैश में आकर हवेली से चले गए। ऋतुराज का मन बहुत परेशान हो गया था। वह एक उपन्यास निकालकर अपना मन बहलाने की कोशिश करने लगा। उसकी जिंदगी में इतने तूफान आ चुके थे कि अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऋतुराज का प्यार और रिश्तों के नाम पर से भरोसा ही उठ गया था। हर तरफ उसे केवल स्वार्थी और धोखेबाज लोग ही दिखाई देते थे। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। देखते ही देखते 2 महीने सरक गए। अब तो उस गुलाबी सूट वाली लड़की की यादें भी धुंधली हो चली थी। ऋतुराज बस मशीन की तरह अपना काम करता था और थक हार कर अकेलेपन को गले लगाकर रात को सो जाता था। यही उसकी जिंदगी थी और उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में बस यही करना तो बचा है। उसकी जिंदगी में ना कोई खुशी थी ना कोई उत्साह था। वह बस रोज जिंदगी को बोझ की तरह काटे जा रहा था। एक दिन वह अपनी बैठक में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था, तभी हवेली में एक अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी वेशभूषा देखकर वह बहुत पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति मालूम पड़ता था। ऋतुराज उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, कौन है आप? वो व्यक्ति बोल पड़ा, बेटा तुम ऋतुराज ही हो ना? ऋतुराज ने सहमति में सिर हिलाया तो व्यक्ति बोला, बेटा मेरा नाम राम प्रकाश है। तुम्हारे पिता भानु प्रताप जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बरसों पहले मैं अपने परिवार के साथ विदेश चला गया था। अब मैं फिर से भारत वापस लौट आया हूँ। यहाँ आने के बाद कुछ समय तो सब कुछ व्यवस्थित करने में लग गया। अब मेरी बेटी वैदेही का रिश्ता तय हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं अपने पुराने मित्र को भी इस विवाह में निमंत्रण दे देता हूँ और उससे मुलाकात भी हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी कहाँ है बेटा? ऋतुराज की आंखों में आंसू उतर आए और वह कहने लगा, अंकल एक एक्सीडेंट में मम्मी पापा नहीं रहे। यह सुनकर राम प्रकाश जी को तेज झटका लगा और वह धम्म से पास पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। ऋतुराज ने तुरंत ही घर के नौकर को पानी लाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद राम प्रकाश जी थोड़ा संयत हुए और कहने लगे, मुझे बहुत अफसोस है बेटा, पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो जाती है। थोड़ी देर तक औपचारिक बातें करने के बाद राम प्रकाश जी ने कहा, देखो बेटा तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो और मेरी बेटी की शादी में तुम्हें जरूर आना है। ऋतुराज कहने लगा, लेकिन मैं शादी में आकर क्या करूंगा? राम प्रकाश जी कहने लगे, देखो बेटा मैंने तुम्हारा बचपन भी देखा है और तुम मेरी गोद में खेले भी हो। क्या तुम्हारे पिता नहीं रहे तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा? ऋतुराज इतना अपनापन देखकर भीतर तक भीग उठा। कई महीनों से उसने इतने प्रेम भरे शब्द किसी के मुंह से नहीं सुने थे। वह भरे गले से बोला, ठीक है अंकल, मैं शादी में जरूर आऊंगा। राम प्रकाश जी उससे विदा लेकर वहां से चले गए। 20 दिनों के बाद ही उनकी बेटी की शादी थी। शहर पहुंचकर वो शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। निश्चित दिन ऋतुराज राम प्रकाश जी के घर पर पहुंच चुका था। राम प्रकाश जी ने उसका स्वागत किया। विवाह की रस्में चल रही थी। उनकी बेटी वैदेही दुल्हन के लाल जोड़े में हवन कुंड के सामने अपने होने वाले पति के साथ बैठी हुई थी। ऋतुराज वहां पर किसी को जानता तो था नहीं, इसलिए एक कुर्सी पर बैठकर विवाह की रस्में देखने लगा और उसे अपनी शादी याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तभी वहां से एक वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर गुजरा और ऋतुराज ने कोल्ड ड्रिंक के साथ अपने आंसू भी गटक लिए। थोड़ी देर में विवाह मंडप में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि घर पर दूल्हे की 80 वर्षीय दादी को हार्ट अटैक आ गया था और कुछ लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए थे। विवाह की रस्में रोक दी गई थी। दूल्हे की माँ कहने लगी, यह दुल्हन तो अपशगुनी है। अभी शादी की रस्में शुरू हुई थी कि हमारे घर पर यह विपत्ति आ गई। मुझे ऐसी अपशगुनी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना है। लड़का भी उठकर खड़ा हो गया। वह भी माँ की बातों से सहमत था। वैदेही घूंघट की ओट में रोए जा रही थी। उसके पिता दूल्हे के पिता के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, भाई साहब आप तो कुछ बोलिए, मेरी बेटी के साथ यह अन्याय हो रहा है।
आखिर मेरी बेटी की इन सब में क्या गलती है? आपकी माता जी की उम्र हो गई है, ऐसे समय में अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? लड़के के पिता ने कहा, मैं अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। जब मेरी पत्नी और मेरे बेटे को लगता है कि आपकी बेटी अपशगुनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैदेही सिसकने लगी। उसके पिता कहने लगे, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़के के पिता ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं इस अपशगुनी लड़की को भी अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको मुझे 2 करोड़ रुपए देने होंगे, तभी जाकर यह लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। यह सुनकर वैदेही के पिता सन्न रह गए। वैदेही की आंखों के आंसू भी रुक गए। उसने अचानक से अपना घूंघट उठा दिया और बोल पड़ी, पापा आप ऐसे लालची और अंधविश्वास से भरे लोगों के सामने गिड़गिड़ाइए मत, मुझे यह शादी नहीं करनी। आज आप करोड़ों रुपए देकर मेरी शादी करवा भी देंगे तो मुझे उस घर में कोई सुख नहीं मिल पाएगा। रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, किसी शर्त और रुपए पैसे की ताकत पर नहीं। जिन रिश्तों की नींव ही लालच पर रखी गई हो वह रिश्ते कभी भी सच्चे नहीं हो सकते पापा। उसके पिता सिर पकड़कर बैठ गए। बाराती वापस लौट गए। धीरे धीरे मेहमानों में यह बात फैल गई और लड़की पक्ष के सभी रिश्तेदार सन्न रह गए कि अचानक से खुशी के माहौल में यह क्या हो गया। वैदेही अपने पिता को संभालने में लगी हुई थी। उसके पिता दिल के मरीज थे और वह ऊपर से मजबूत बनने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर वैदेही को डर लग रहा था। सब लोग एकदम खामोश हो गए थे क्योंकि ऋतुराज के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि जैसे ही वैदेही ने घूंघट उठाया था वैसे ही ऋतुराज को अपनी वो गुलाबी सूट वाली लड़की मिल गई थी। जी हाँ, यह लड़की वही थी जो उसे उस दिन ट्रेन में मिली थी। आज भी जिस तरह विपरीत परिस्थिति में उसने खुद के लिए और अपने पिता के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी, उसे देखकर ऋतुराज उसकी हिम्मत को सलाम कर रहा था। लेकिन वैदेही को रोते हुए देखकर पता नहीं क्यों उसकी पलकें भी गीली हो गई थी। उसके पिता राम प्रकाश जी अपना सिर पीटते हुए बोले, मेरे दिल में बेटी की शादी को लेकर कितने अरमान थे, लेकिन आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इन सब में मेरी ही गलती है। मैं ही अपनी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं ढूंढ पाया। अगर वह लोग सच में अच्छे होते तो आज मेरी बेटी की आंखों में आंसू ना होते। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़े। उनके कुछ रिश्तेदार कहने लगे, अब वैदेही की शादी कभी नहीं होगी, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, एक तो इसकी शादी टूट गई, ऊपर से इस पर अपशगुनी होने का कलंक भी लग गया है। वैदेही जलती हुई नजरों से उन्हें घूरने लगी। तभी ऋतुराज ने आकर राम प्रकाश जी की हथेली थामते हुए कहा, अंकल मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राम प्रकाश जी ने प्रश्न भरी नजरों से ऋतुराज की ओर देखा तो ऋतुराज ने कहा, अंकल बात दरअसल ये है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और अगर आप अनुमति दें तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वैदेही हैरान हो उठी और बोल पड़ी, ए मिस्टर आप कौन है और आप मुझे कब से पसंद करने लगे? देखिए, सहानुभूति दिखाकर रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करिए। मैं खुद को और अपने पापा को संभाल सकती हूँ। माँ के गुजरने के बाद सब कुछ मैंने ही संभाला है। मैं इतनी मजबूत हूँ कि आज भी अपने दम पर जी सकती हूँ। ऋतुराज एक पल को उसकी आंखों में खोसा गया था। वह धीरे से बोला, देखिए वैदेही जी, शायद आपको पता नहीं लेकिन मैं कई महीने पहले से ही आपको जानता हूँ। यह सुनकर वैदेही चौंक गई। राम प्रकाश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऋतुराज कहने लगा, अंकल मैंने एक दिन आपकी बेटी को ट्रेन में देखा था। उसके बाद ऋतुराज ने सारी बातें उन्हें कह सुनाई। ऋतुराज ने चांदनी से जुड़ी बात भी उन लोगों को बताई। वह इस रिश्ते की शुरुआत सच्चाई के साथ करना चाहता था। ऋतुराज के जिंदगी के दर्द और उसके दिल में खुद के लिए छुपे हुए प्यार को महसूस करके वैदेही का मन भी भीग उठा। राम प्रकाश जी तो अपने पुराने मित्र के बेटे को अपने दामाद के रूप में पाकर गदगद हो उठे, लेकिन पहले वह अपनी बेटी की मर्जी भी जानना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा तो वैदेही ने शर्मा कर सहमति में सिर हिला दिया। आखिर थोड़ी देर पहले वह किसी अजनबी के साथ सात फेरे लेने वाली थी, लेकिन यहाँ तो सामने खड़ा इंसान उसे कई महीने पहले से ही प्यार करता था, तो वह यह रिश्ता कैसे ठुकरा देती? और ऊपर से उसके पिता को भी ऋतुराज पर पूरा भरोसा था। बस फिर क्या था, ऋतुराज और वैदेही की शादी हो गई। दोनों की गृहस्थी हंसी खुशी चलने लगी। आखिरकार आज ऋतुराज की जिंदगी में भी सच्चे प्रेम ने दस्तक दे ही दी थी। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सी कहानी का सफर यहीं तक था। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।